myself. I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you can lead me to the side. You're still raising me up, but when I look aside, she guides me with a sign and light of me. Once again, Navid Chris. Welcome back to my vlog. Vocal of the guys are exactly fine. दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और आज मैं हो चुका हूँ थोड़ा सा लेट. प्लान कुछ थोड़ा और पहले निकलने का था. दोस्तों वैसे तो आप लोगों को टाइटल लेके समझ आ गया होगा कि आज मैं सुबह से उठ के एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूँ. दोस्तों ये रही मेरी साइकिल और इसमें हमारा एक्शन कैमरा माउंट है जैसा कि आप लोग देख रहे हो. और यहाँ पास माइक है और हमारा ट्राइपॉड और कैमरा बैग और ये हमारे DSLR. बस थोड़े से सामान के साथ आज मैं निकला हूँ सुबह के सफ़र को तय करने के लिए. ये ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये मेरा छोटा सा साइकिल राइड होगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा हमारे संबलपुर की खूबसूरती के बारे में कि क्या कुछ कैसा सीन है हमारे संबलपुर में और क्या क्या कुछ स्पेशल चीज़ें हैं. तो चलते हैं अपन आके और इन्जॉय कीजिए आप लोग आज के इस प्यारे से साइकिल राइड को. If it's not there, gotta go then. We still get over it, 'cause when I look aside. दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इधर ये पूरा नदी है संबलपुर का सबसे पहला नदी, मतलब यहाँ से सब पानी आता जाता है. और जस्ट ठीक उसके सामने आप लोगों को दिख रहा होगा उधर मुक्ति धाम. ये हमारा संबलपुर का पहला मुक्ति धाम है आई थिंक सो. एकदम एग्जैक्टली नॉलेज तो पता नहीं मुझे भी, लेकिन ये पहला मुक्ति धाम है. आपको दूसरा मुक्ति धाम भी दिखाऊंगा जो हमारा सेकंड लोकेशन होगा वहाँ पे जाने के लिए. और दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कंप्लीट यहाँ पे ये है हमारा भुट्टे का पूरा खेती हुआ है ठीक मुक्ति धाम के सामने. और कितना खूबसूरत लगता है आप लोग देखिए, चलते चलते इंजॉय कीजिए. और ये ठीक हमारा सामने जाने का रोड जो कि जाता है हमारे बोगर करमोती और वाया इधर से अपन जा भी सकते हैं राजनांदगांव होते हुए नागपुर की ओर. Every time she would cry on my shoulder, I was here on the line trying to save her. He asked me to come back, and we're not quite right. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess it didn't count. I'm here for you, you know. Rosto. बस मैं 10-20 मिनट ये चला हूँ साइकिल में और थोड़ा सा ब्रेक ले लिया मैं इधर आके. एक्चुअली क्या आज का जो मेरा प्लान है वो इधर जाने का नहीं है, वो कभी अपन और एक्सप्लोर करेंगे. तो दीप धूप अभी ठीक आ चुकी है, देख रहे हो आप लोग प्रॉपर वे में. और स्वेटर पहन के आया था मैं, अब लग रहा है कि थोड़ी देर से इसको निकालना भी पड़ेगा, है ना. तो देखते हैं अपन आगे का सीन. वैसे दोस्तों मज़ा बहुत आ रहा है, ऐसे चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहिए. हमारे बहुत सारे यूट्यूबर लोग करते हैं तो मैं सोचा क्यों ना मैं भी हमारे गांव को दिखाऊं और हमारे बस्ती को दिखाऊं कि क्या कुछ कैसा सीन है हमारे गांव में. आप लोग देख रहे हो इधर यहां पास चल रहा है भाइयों का क्रिकेट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट चल रहे हैं. और इधर ठीक जाते हैं अपन बोगर नर्सरी. बाय द वे बोगर नर्सरी का मैंने व्लॉग बनाया था हमारे गोपाला भाई लोकेश भाई लोग के साथ, अगर उसको चेकआउट नहीं किया तो आप लोग जल्दी से चेकआउट कर लो. तो दोस्तों अभी अपन जा रहे हैं सेकेंड जगह. और दोस्तों अभी जो मेरा जगह होगा वो मैं ठीक यहाँ से निकलूँगा और थोड़ा सा जाऊंगा हमारे वापस संबलपुर की ओर. मैं बस थोड़ा चिल करने के लिए इधर आ गया था, इन्वायरमेंट अच्छा लग रहा था सुबह सुबह का, तो मैं सोचा कि थोड़ा आगे जाया जाए और दिखाया जाए आप लोगों को आगे के सीन्स को. बाय द वे चलते हैं अपन संबलपुर तरफ वापस और वहाँ से आप लोगों को दिखाऊँगा मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि हमारे गाँव में बहुत अच्छे तरीके से वो चीज़ जारी हो चुका है और अच्छे तरीके से चल रहा है. क्योर्स आप लोगों ने सुना होगा एक कदम स्वच्छता की ओर. दोस्तों ग्राम पंचायत जो है ना हमारा संबलपुर, उसमें एक्चुअली में है क्या, हमारे सरपंच महोदया जो कि एक लेडी सरपंच है, उसके साथ साथ जो संबलपुर में हमारे जो ग्राम पंचायत संबलपुर के जो उप सरपंच हैं वो क्या है, एक्चुअली में यंग है.
उनको मैंने हमारे व्लॉग में कई बार दिखाया होगा, जिनका नाम है गौरव चोपड़ा। उनके बदौलत ये सब चीज़ पॉसिबल हो पाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कितने अच्छे से कार्य हो रहे हैं और बहुत सारे विभिन्न कार्य समाप्त हुए हैं हमारे संबलपुर में, जो कि आप लोगों को मैं आगे चल के दिखाऊंगा। बाकी आप लोग देख सकते हो यहाँ पास बहुत इतना मेहनत करने के बाद ये सब चीज़ संभव हो पा रहा है, जो कि हमारे ग्राम पंचायत संबलपुर के द्वारा ये सब चीज़ कार्य हुआ है। मेरा तो ये मानना है कि हर पंचायत में एक यंग व्यक्ति रहना चाहिए उप सरपंच के तौर में, जैसे कि हमारे संबलपुर में गौरव भैया ने जिस तरीके से सहयोगदान दिखाया है, आई प्राउड। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं ठीक ईदगाह के सामने खड़ा हूँ और ये इसका जो बनने का जो तारीख है वो यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, 1/1/2011, मतलब ये 1 जनवरी 2011 में बना है। तामीर का मतलब होता है बना, और ये हमारे अंजुमन इस्लामिया कमेटी संबलपुर के द्वारा ये चीज़ बना हुआ है। जैसा कि मस्जिद को भी आप लोगों में शो करूँगा धीरे से, और ये सामने में हमारा रहा ईदगाह। मोस्टली होता क्या है यहाँ पे, ईद बकरीद के टाइम अपन यहाँ पर आके नमाज़ें अदा करते हैं। वैसे तो आई थिंक पिछले साल ही पढ़े थे नमाज, इस साल तो नहीं हो पाया था पॉसिबल, क्या लॉकडाउन वगैरह का सीन था इसलिए। बाकी देखते हैं, होपफुली और मौका मिलेगा तो और पढ़ेंगे यहाँ पे। दोस्तों जहाँ पास मैं खड़ा हूँ यहाँ पास पूरे गोबर को रखते हैं स्टोर करके, और एक्चुअली में गोबर को स्टोर इसलिए रखते हैं क्योंकि अभी अभी आप लोगों ने सुना होगा कि गोबर का खरीदा भी जाता है सरकार के द्वारा, जिसमें कुछ 2 रुपये किलो या समथिंग कुछ रुपये किलो के हिसाब से इस गोबर को ख़रीदा जाता है और इसको स्टोर करके यहाँ पर जितने भी आपको फसलें दिख रहे हैं ये सब बड़े बड़े नर्सरीज में जाती हैं और वहाँ पे इसको एज अ पेस्टिसाइड यूज़ करके उसको ग्रोथ करते हैं हम प्लांट्स व्लांट्स को। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि ये सब खाद की मदद से हमारे पेड़ पौधे बढ़ते हैं, तो जो भी आप हरा भरा देख रहे हो ना आज की इस दुनिया में, ये सब चीज़ सिर्फ इसके कारण ही पॉसिबल हो पाता है। तो बहुत से फ़ायदे हैं गोबर के, मैं अगर वो बताने बैठा तो व्लॉग बहुत बड़ी बन जाएगी, तो मैं शॉर्ट एंड सिंपल व्लॉग में आप लोगों को धीरे धीरे ब्रीफ देते जा रहा हूँ। बाकी आप लोग देख सकते हो कंप्लीट सीन यहाँ का, कितने सारे यहाँ पास बने हुए हैं गोबर को रखने के लिए। कहा जाता है संबलपुर का एक स्टॉप, नदी टाइप का बोल सकते हो आप लोग, ये काफ़ी खूबसूरत सा जगह है। मतलब बैठने के बाद जो फील कर पा रहा हूँ मैं वो तो कैमरे में एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा मैं, बट बता रहा हूँ ना मैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे। और ये सब बहुत काम की चीज़ें हैं, जैसे कि इस पानी को रोक के यहाँ पे दुगना फसल किया जा सकता है। इस पानी की मदौलत से अपन फसल को और एक्स्ट्रा कर सकते हैं पानी से, और उधर बड़े बड़े मशीन्स लगे हुए हैं पानी को खींचने के लिए, जो कि फसलों को करा जाता है उधर से ही उधर से ही, तो फसलों को ऐसा डबल किया जाता है। बाय द वे अभी मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ, सुबह के बज रहे 8, लोगों का आना जाना हो चुका है 40। बाय द वे मेरे को निकलना था सुबह 6:30 की समथिंग के पास, लेकिन सुबह बहुत ठंडी थी, मैं उड़ गया था एक्चुअली मैं सुबह 6 बजे, लेकिन देखा तो अंधेरा भी था, मैं सोचा कि निकलता हूँ थोड़ा रुक के ही घर से, तो निकलते निकलते बज गया 7। बाय द वे ये था, अब अपन जाएंगे दोस्तों हमारे संबलपुर की तरफ और आगे, जिससे कि आपको मैं थोड़ा सा गांव को भी दिखाते चलूँगा, मेन रोड को दिखाते चलूँगा, और उधर से अपन जाएंगे थोड़ा सा आगे और इंजॉय करेंगे आज की इस वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर लो, और हाँ मेरे संबलपुर के शहर को आप लोगों ने किस नज़रिए से देखा और कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं अपन आगे और देखते हैं आगे के सीन्स। This is our day to dream.
दोस्तों ये है हमारा ग्राम पंचायत संबलपुर और ठीक बस स्टैंड में यहाँ पे दो मंदिर भी स्थित हैं। एक तरफ है जैन मंदिर और जस्ट उसके बाजू में है गणेश मंदिर, जो कि अभी मैं आप लोगों को वीडियो में दर्शाऊंगा। और दोस्तों ये वीडियो जो आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, ये चीज़ मैंने दशहरे वाले वीडियो में भी आप लोगों को पंचायत का चीज़ दिखाया था। और दोस्तों ये ठीक सामने मेरे जनपद पंचायत स्कूल, जो कि ये दोस्तों मेरे बड़े पापा मुझे बता रहे थे कि ये बहुत ही ज़्यादा पुराना स्कूल है, मतलब आज़ादी से पहले के स्कूल है ये। तो ऐसा कुछ स्कूल है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें अभी भी बच्चे पढ़ते हैं और सोचने वाली बात है। दोस्तों ये रहा हमारा ठीक गणेश मंदिर संबलपुर का, यहाँ पे बहुत अनेक अनेक प्रकार के फंक्शंस वगैरह होते रहते हैं। तो दोस्तों अभी अपन जा रहे हैं हमारे संबलपुर के ग्राउंड में, जो कि हाई स्कूल ग्राउंड है। यहाँ पे बहुत सारे खेल वगैरह होते हैं, और पहले के टाइम में अभी आप लोगों को दिखाया ना बस स्टैंड, उससे ठीक पहले ग्राउंड में रावण को जलाया जाता था, दशहरा यहाँ पे मनाया जाता था। लेकिन धीरे धीरे से पंचायत वहीं पे है तो माहौल पूरा वहीं पर रहता नवरात्रि के समय, तो इसलिए रावण को भी वहीं पर दहन करते हैं। तो दोस्तों अभी चल रहे हैं अपन हाई स्कूल ग्राउंड, और ये सब लोकेशन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये है हमारा गाँव, ये है हमारा खूबसूरत सा जगह जहाँ पर मैं बचपने से अपना ज़िंदगी काटते चला आ रहा हूँ, और जो कि ठीक इधर से जो रास्ता जाता है उधर जाते हैं अपन भानु प्रतापपुर। दोस्तों मैं आ गया हूँ हाई स्कूल ग्राउंड में और काफ़ी मज़ा आ रहा है। बस ऐसा ही है मेरा आज का वीडियो, अपने शहर गांव को दिखाने के बारे, गांव को दिखाना है ये सोच के मैं आज के इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ। दोस्तों मैं कुछ आप लोगों से बातें शेयर करने के लिए ये वीडियो को भी बना रहा हूँ, बस ऐसे ही मन हुआ कि व्लॉग करना चाहिए तो बस कर रहा हूँ। और चैनल में कंटेंट भी नहीं आ रहे थे ना, इसलिए मैं सोचा कि कंटेंट लाना है हमारे चैनल में। हमारे सब्सक्राइबर्स भाई लोग चिंता मत करें कि भाई चैनल बना के छोड़ दिया और वीडियो में कंटेंट नहीं आ रहे हैं, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल मत समझना है ना। धूप बहुत बढ़ते जा रहा है, मेरी आँख नहीं खुल पा रही है, इसलिए मैं थोड़ा ऐसे बात कर रहा हूँ आप लोगों से। दोस्तों देखा आप लोगों ने मेरा सिंपल सा सेटअप, एक्शन कैमरा, बॉटल, बैग और ये ट्राइपॉड और ये DSLR, बस इतने चीज़ों में मैं आज के इस व्लॉग को शूट कर रहा हूँ। कुछ नहीं करना, बस वीडियो को लाइक करना है और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। और अगर इस वीडियो में बोर हुए हो ना आप लोग, तो भाई आप लोगों के लिए एक अमेजिंग सा कंटेंट आने वाला है ठीक हफ्ते भर में, वो शायद तक मेरे चैनल में आ जाएगा अगर जाना हुआ पॉसिबिलिटी तो। वैसे तो उम्मीद पूरी है कि अगर जाऊँगा वहाँ पर तो मैं कंटेंट शूट करके ही आऊँगा। तो ऐसा था दोस्तों, बस मन हुआ तो मैं आज सोचा कि चलो आज व्लॉग किया जाए, तो बस निकल पड़ा मैं। ये साइकिल को मैंने लिया था दोस्तों लॉकडाउन के समय, लेकिन सोचता था कि बस मैं घूमूंगा फिरूंगा करके। तो लॉकडाउन के समय तो सुबह सुबह निकलता था मैं थोड़ा बहुत घूमने वूमने के लिए, लेकिन उतना कुछ हो नहीं पाता था है ना। लॉकडाउन तो जानते हो आप लोग कैसे कटा है सबका, बस सो के खा पी के बस वैसे ही कटा है। साइकिल को लिया था मैंने जोश जोश में बहुत अच्छे से कि चलाऊँगा घूमूंगा फिरूंगा करके साइकिलिंग करूँगा, तो उतना कुछ नहीं हो पाया, तो बस अब कंटिन्यू रखना है। वैसे अब तो डेली चलाऊंगा मैं सुबह साइकिल, बहुत मज़ा आया मुझे आज तो साइकिल चलाने में। तो ठीक सुबह मैं उठ जाऊंगा 6 बजे और साइकिलिंग किया करूंगा। तो बस ऐसे ही कुछ था, बाकी चलते अपन घर की ओर। गाइस मैं आ गया अपने घर और बहुत मज़ेदार दिन था, काफ़ी मज़ा आ गया। हाथ पैर थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, क्या इतने दिन के बाद सुबह सुबह निकला ना मैं। वैसे मैं आते साथ अपनी मम्मी को बोला हूँ कि कॉफ़ी बनाने के लिए, तो कॉफ़ी पीता हूँ मैं फिर बात करता हूँ आप लोगों से। दोस्तों कैसा था वीडियो ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है, और बाय द वे वीडियो बनाने में तो बहुत मज़ा आ गया और थक भी गया हूँ मैं थोड़ा बहुत। तो बाय द वे आज पूरा दिन बाकी है, तो वार्म अप करके अपन ठीक कर लेंगे। ऐसा तो दोस्तों आज का कंप्लीट वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया और मेरे बस्ती का अगर आप लोगों को एक एक चीज़ पसंद आया, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे लगा, मेरे कौन से लोकेशन अच्छे लगे वीडियो में बताना। और मिलते हैं अपन ऐसी अगली नई वीडियो, एक्साइटिंग वीडियो में। और बाय द वे आप लोगों के लिए एक अच्छी वाली वीडियो आने वाली है, बहुत ही शानदार सा कंटेंट लेके आने वाला हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ चैनल में। बस आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं अपन अगली और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।